स्वागत है दोस्तों मेरे नया ब्लॉग में। तो आज मैं आपको आया हूँ दिखाने फोर्ट एरिया। दोस्तों 15-20 दिन से काम नहीं है तो फ्री में बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है तो टाइम पास नहीं हो रहा घरों में, तो आपको लोगों को कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों जब मैं काम पे जाता हूँ तभी मेरे घूमने का ही होता है, क्योंकि बिना पैसों का तो आप लोगों को तो पता है कुछ होता नहीं है। अभी 15 दिन से घर पर ही बैठा हूँ तो कब टाइम पास नहीं होगा। तो मेरा फेवरेट प्लेस है ये, यहाँ घूमने आ जाता हूँ। यहाँ पे बगल में शमशान घाट है तो यहीं पे घूमने आ जाता हूँ, यहाँ पे टाइम पास हो जाता है मेरा। आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा एरिया का, यह अपना फोर्ट एरिया है। तो भाई ये है अपना पूरा काजू के बगीचे हैं, पूरा काजू के बगीचे ही हैं। और ये है शमशान घाट, आपको जूम करके ज़रूर दिखाऊँगा। शमशान घाट है अपना, तो ये मेन रोड है। तो यहाँ से हम लोगों को देख सकते हैं आप लोगों को कि पहले बहुत जंगल एरिया था, तो कुछ माइनिंग के चक्कर में ये पूरा डेवलपमेंट के चक्कर में अपना पूरा डेवलपमेंट हो गया है। अभी उतना जंगल नहीं बचे हैं, तो थोड़ा बहुत काजू के बगीचे हैं इधर। मैं आ चुका हूँ ये शमशान घाट अपना गांव का, तो दो शमशान घाट है, एक और आगे है और एक इधर है। तो मेरी गाड़ी खड़ी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी ससुराल वालों का दिया हुआ है, अपने पैसे से कुछ नहीं है। तो अपने जो कमाया उसे घर वर बनाया दोस्तों, जो गवर्नमेंट घर मिला था अपने को साइक्लोन के टाइम का है, 2013 में जो साइक्लोन हुआ था उस टाइम में हमारे माननीय सीएम साहब नरेंद्र, हमारे नवीन पटनायक साहब ने जो घर दिलाए थे, तो वही घर में हम लोग अभी बना चुना के तो बैठे हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं अपना मामू बैठा इधर शमशान घाट के मंडप के ऊपर ही बैठा है। तो कुछ सालों पहले मेरे पापा को यहीं पर दान संस्कार हुआ था। पहले तो बहुत बड़ा ये तालाब था इधर, अभी तो जो सूख चुका है। अब ये देख सकते हैं पूरा रेती रहते हैं, तो देख सकते हैं ये अपना गांव का तालाब है। मतलब बहुत गड्ढा हुआ करता था, अभी तो पूरा पानी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है। वैसे तो पूरा का पूरा सूख चुका है, लोग इधर फसल ही करते हैं इधर, अपना जो कद्दू वद्दू जो भी लगाते हैं तो उस पार ही लगाते हैं। अभी तो पूरा का पूरा तालाब सूखा हुआ दोस्तों, पूरा का पूरा तालाब ही सूखा हुआ। पानी इस साल उतना बरसात भी नहीं हुआ है तो इसीलिए पूरा का पूरा पानी सूखा हुआ है दोस्तों। यहीं पे हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, तो अभी तो पूरा पूरा पेड़ वेड़ लगा दिए हैं, तो बचपन में यहीं पे क्रिकेट खेला करते थे।